जैसे मैंने लास्ट पार्ट वन में भी बोला था, कोचिंग लाइक इट्स समथिंग एज अ लैडर. नाउ व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज एक बहुत लंबा समय है प्रिपरेशन का. एक इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट लाइक प्रिपेयरिंग एंड वांट्स टू गिव एन अटेम्प्ट और उसके बाद वो क्लियर करे, सो बेसिकली इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. द प्रोसेस इज लॉन्ग. द प्रोसेस इज सो लॉन्ग दैट लाइक हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा. सो मैं थोड़ा सा इसमें उसके ऊपर भी बात करता हूँ. सो इफ देर इज अ स्टूडेंट, इफ देर इज अ स्टूडेंट, लेट अस से कि एक जुलाई में एक स्टूडेंट को लगता है कि नाउ आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग. अब जुलाई में लगता है कि मैं मुझे कोचिंग मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है एंड टारगेट है कि अगली साल का एग्जाम देना है मुझे, 2022 देना है. जुलाई में एक एक इंसान टारगेट करता है, एक स्टूडेंट टारगेट करता है टू लाइक क्लियर द एग्जाम. व्हाट आई फील इज एकदम जुलाई में जैसे ही आएंगे तो वी नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली. नाउ आई नो दिस थिंग, व्हाट इज द प्लान? आई नो दिस थिंग, व्हाट इज द प्लान? आई कैन शेयर दैट प्लान विद यू एज वेल. बट द पर्सन हु इज कमिंग, द पर्सन हु इज प्लानिंग टू क्लियर द एग्जाम इन वन ईयर, ही डोंट नो अबाउट दैट प्लान. ही रिक्वायर्स समवन टू गिव हिम और हर द गाइडेंस, द प्रॉपर गाइडेंस दैट विल एक्चुअली हेल्प हिम और हर टू क्लियर दैट एग्जाम. लाइक द प्लान, वी कैन हैव अ प्लान. एक ऐसा प्लान हो सकता है जैसे हम एक साल को ब्रेक कर दें 3-3 महीने के टाइम पीरियड में. द फर्स्ट 3 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने हम सबसे पहले अलग करते हैं. ये 3 महीने में हम क्या करते हैं? ओनली वी विल अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड वील बी सॉल्विंग द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स. द सेकेंड थिंग, वील बी डूइंग द एनसीआरटीज, वील बी रीडिंग द फर्स्ट रीड, वील बी डूइंग द फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनसीआरटीज. हियर कम्स अनदर रूल ऑफ कोचिंग्स. Now there are so many coachings which are not doing NCRTs. Wo NCRT, they don't take care of the NCRTs. Most of the coachings don't take care of the NCRTs and they assume कर लेते हैं कि एक student आया है तो at least NCRT तो पढ़ ही ली होगी. And most of the time the assumption is wrong. ज्यादातर केसेस में जब एक स्टूडेंट कोचिंग के लिए आता है, ज्यादातर केसेस में एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हुई होती हैं. गुड मॉर्निंग अगेन ऑल ऑफ यू. सी नो डाउट सिविल सर्विसेज इज अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम एंड इट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी डिफिकल्ट. वेदर इट इज रियली डिफिकल्ट और नॉट, इट इज अ इंडिविजुअल परसेप्शन. For someone it is a easy cake, for others it become a Herculean task. We will clarify about this difficulty question in due course of our conversation. And as regard the importance of coaching for preparation of UPSC exam, I will like to clarify that the importance of coaching cannot be ruled out, because anyone can guess ki lot of aspirants appear for this exam and these seats are very few. The post for which they are fighting are very few. So in that case it become very difficult for an individual to combat with the such a plethora of syllabus and the difficulty which UPSC offers you. So this coaching makes you strong enough to fight this some sort of a war. In that case, the importance of coaching cannot be denied. Everybody who are taking help of coaching are in better position, far far better position. Those who are fighting this Mahabharata single handedly like Abhimanyu, so you are almost destined to get defeated if you are not taking help of coaching, I think.